हेलो नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सवाल जवाब थे कि कट ऑफ से रिलेटेड, JSO की कट ऑफ, AA टायर 3 के बाद क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं के ऊपर सभी से चर्चा करते हैं। वैसे तो मैंने सेपरेट वीडियो सभी बना दी है, लेकिन एक तो था OBC सर्टिफिकेट के लिए। तो गाइज अगर आपको लगता है कि मेरा पहले नहीं बना हुआ है और मेरा स्कोर अच्छा जा रहा है, तो गाइज बनवा लीजिए अभी, क्योंकि आई थिंक एक साल के अंदर अंदर तो ये प्रोसेस हो जानी चाहिए जैसे पहले हो रही थी, और ये बढ़िया रहेगा। और कट ऑफ की बात करें तो गाइज थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, डिप्रेशन में मत रहिए। अगर आप टायर 2 का जब रिजल्ट आएगा तो उससे 110 प्लस कर लेना, उसके अराउंड ये स्कोर रह सकता है। क्योंकि चीज़ें तो देखो, इस वक्त सभी को लगता है कि पेपर टफ था तो कट ऑफ थोड़ी कम जानी चाहिए, बट आप कंपेरिजन करें 2017-18 से तो गाइज गलत होगा, क्योंकि वहाँ वैकेंसी थी वो 11,000-10,000 के करीब थी, और अभी आप जानते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है क्योंकि वैकेंसी 7-7.5 के करीब अराउंड चल रहा है। तो अभी आप सोचिए क्या होना चाहिए। हाँ, फिर भी आप अलग से वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, और बाकी जिनका स्कोर कम रह रहा है तो वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको चाहिए कोई अलग से सेपरेट वीडियो फॉर गाइडेंस से रिलेटेड या कोई छोटी ऑनलाइन क्लासेस, तो गाइज मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैनल के ऊपर, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ताकि मैं आपके उन सुझाव को देख पाऊँ। धन्यवाद।